ऑल राइट, सब कुछ सेट, लेट्स स्टार्ट इट। टिन 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 गुड सक्सेस। ये देखो सेंसिंग हो रहा है, मतलब कितना पानी लेगा वो अपने आप ही सेंस कर लेगा। बहुत दिन बाद ऊपर है और देखो पूरा गाछ कितना खाली करने लग रहा है, क्योंकि कट डाउन कर दिया ना इसलिए। यो पीपल, व्हाट्सएप, यहाँ पर क्या हो गया? तो जो भी हो, व्हाट्सएप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो अभी बारी है क्या करना, मैं बताती हूँ। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट करते ही मैं प्राइम किया, प्रोग्रामिंग आज भी किया एकदम धूमधाम प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद ये माउस देख रहे हो ना, ये काम करना बंद कर दिया था, पता नहीं क्यों। बाद में पता चला कि यहाँ पर थोड़ा कहाँ चला गया, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ था, अच्छे से प्लग इन किया, ठीक हो गया। तो सह लेंगे थोड़ा करके दोबारा प्रोग्रामिंग, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। गुड नाइट, नाइट नहीं है बात, नहीं बोल रहा हूँ, गुड नाइट, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद कंटेंट क्या होती है, पता नहीं भाई क्या कंटेंट करे रोज। हमारा एक स्लैप यहाँ पर दे दिया। अरे भाई पानी भी आ गया तो, अरे तेरी वाह, ऑसम पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, पानी बंद हो गया क्या? नहीं जा रहा है भाई, ठीक ठाक स्लोप किया नहीं इसलिए। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि क्या बताओ, एक जॉब है एक्चुअली इतिहाद एयरलाइंस का, मतलब अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरलाइंस केबिन क्रू का। तो मेरा पायलट बनने का तो शौक था, तो क्यों शौक था मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा वर्ल्ड वाइड घूमना पसंद है। तो केबिन क्रू इज़ ऑल्सो सच ए टाइप ऑफ जॉब, यू कैन एक्चुअली फ्लाई एंड घूम सकते हो, लेकिन मेरे फैमिली अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अप्लाई भाई, अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ऊपर से जो एलिजिबिलिटी है ना, सब कुछ मेरे पास है, पासपोर्ट, क्लास 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, 150 सेंटीमीटर हाइट, एवरीथिंग आई हैव, फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट दे आर नॉट अलाउड। और सबसे अच्छी बात यह है, इथिहाद एयरलाइंस ओनली हायरिंग फ्रॉम इंडिया, और तीन मेजर सिटीज से वो की हायरिंग हो रहा है। एक है दिल्ली, मुंबई और एक कोलकाता। अगर दिल्ली में मुंबई होता तो कोई नहीं नहीं हो सकता, लेकिन कोलकाता में नवोतेल जो होटल है वहाँ पर इंटरव्यू होगा, अलाउ नहीं कर रहा तो क्या पता। यो ऑल राइट गाइस, आपसे मिलेंगे कल, और ये था आज का दिन, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई किया आज, दैट इज़ द ग्रेट सक्सेस डे फॉर मी, एंड आपसे मिलेंगे कल। एंड तब तक के लिए बाय, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, आने वाले 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद 20 से 30 के बीच में ऑनलाइन थ्योरी होगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर ख़त्म, मतलब हम फ्रेशर्स से उठ के सेकेंड ईयर चले जाएंगे। वी आर नॉट फ्रेशर्स इन आवर कॉलेज भाई, हम सबसे जूनियर है अभी, नेक्स्ट ईयर से हमारा जूनियर आ जाएंगे, दैट इज ग्रेट सक्सेस। लेकिन रैगिंग इज नॉट अलाउड इन एनी प्राइवेट कॉलेज भाई, गवर्नमेंट में तो होती ही है, चलता है। जहाँ अभी चल रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मूड में एग्जाम नहीं ले रहा है, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा कॉलेज सब तो प्राइवेट है, यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं होता है, जो बोलेगा वो हम एक्सेप्ट, दैट इज द बात। तो पता नहीं क्यों वेस्ट बंगाल में हर, मतलब एवरी कॉलेज इज गोइंग टू टेक एग्जाम इन ऑनलाइन मोड, एक्सेप्ट जादवपुर एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफलाइन, पता नहीं क्यों क्या हो गया उन दोनों को भाई। ऑलवेज यू शुड गो विद द फ्लो ना, क्या
चल रहा है तो प्रोटेस्ट बहुत ही भयंकर लेवल का। देखते हैं क्या होते हैं लास्ट में। आई थिंक ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन ही ले लेंगे, क्योंकि सब स्टूडेंट बोल रहे हैं अगर ऑफलाइन ले तो एग्जाम नहीं दूंगा, ये सब बोल रहे हैं। और एक लड़की को इंटरव्यू में पूछा गया तो अगर ऑनलाइन में होता तो फिर भी आप तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो क्यों ऑनलाइन ऑनलाइन करो। तो उन्होंने बोला बंगाली में, ठीक है, बोल रहा है कि देखिए हाँ हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में सॉरी ऑफलाइन में हम पूरा विदाउट वॉचिंग एनीथिंग मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में अच्छे से हम देख के लिख सकते हैं, ऐसा बोला है एक्चुअली, समझा। ये ऐसा ही चल रहा है भाई कोविड के बाद ना, मतलब ऑनलाइन इज ग्रेट सक्सेस मूड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपसे मिलेंगे कल, दोबारा बोल रहा हूँ। सो बाय, हैव ए गुड डे। Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you like that. If I hate you, then find someone.